गांव के किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, सब बातें आपके सामने रखी थी। उनको मैंने कल अपील की थी कि जैसे किसान इस समय अपनी फसल की कटाई और उसकी अनाज निकाल करके मंडी में लाने तक की सारी चिंताओं से एक प्रकार से उसका कंसर्न है, लेकिन कल से आज तक मुझे बहुत से गांव के किसानों ने, पंचायतों ने कहा है कि आप हमको केवल बोरियां भर उपलब्ध करा दीजिए, हम अपने अनाज को अप्रैल महीने तक अपने घर में रखने की स्थिति में हैं। मेरा डिपार्टमेंट के लोगों से भी और आढ़ती भाइयों से ये निवेदन है कि किसानों को उनके अनाज के समय बोरियां ये उपलब्ध करवा दी जाए। अब हम चूंकि बहुत से वर्ग, जैसे व्यापारी वर्ग है, छोटा उद्योगपति है, कर्मचारी है, हमारा सफाई कर्मी है, कई व्यवसायों में लगे हुए दैनिक जीविका उपार्जन करने वाले, ये सब लोग अपने अपने व्यवसाय को लेकर के भी चिंतित हैं। आखिर इन सब की चिंता होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि सब लोगों के काम के ऊपर एक नहीं कई कई परिवार वो आश्रित हैं, और उन सब परिवारों की चिंता हम सबको मिलकर करनी है। व्यापारी, उसके साथ काम करने वाले लोग, उसके कर्मचारी, उसके मजदूर, इसी प्रकार से उद्योगपति, उसके कर्मचारी, उसके मजदूर, अनुबंधकर्ता होंगे, स्थायी कर्मचारी होंगे, सबके परिवारों की पालना करना ये हमारा दायित्व है। हम अपने परिवार को, ये जो बड़ा परिवार है, इस तक लेकर के जाए ताकि सब परिवारों की हम लोग चिंता कर सके। हमारे साथ काम करने वाले लोगों में न केवल हमारे व्यवसाय और उद्योग के साथ जुड़े हुए लोग हैं, बल्कि हमारे घर के साथ जुड़े हुए लोग हैं। घर में काम करने वाले, हमारी कोई नौकरानी होगी, हमारा कोई सफाई कर्मचारी होगा, हमारे खाना बनाने में सहायता करने वाले लोग होंगे, या हमारे मोहल्ले में सफाई कर्मचारी, चाहे वो नगर पालिका के हों, चाहे वो ग्रामीण पंचायतों के हों, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, ये सब भी हमारे परिवार के अंग हैं। इनका भी हमको पूरा ध्यान रखना है। सरकार की ओर से सहायता इनको दी जा रही है। सफाई कर्मचारियों के लिए तो यदि कोरोना के इस रोग के कारण से किसी को हानि पहुंचती है तो उसको एक्स ग्रेशिया इस रूप में भी मृत्यु उपरांत परिवार को 10 लाख रुपए की राशि भी हमने घोषित की है। लेकिन आखिर तो वर्तमान में परिवार की चिंता करना ये हमारा सबका काम है। मैं ऐसे जो हमारे राष्ट्र रक्षक हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, चाहे उसमें सफाई कर्मचारी हैं, अथवा जितनी राष्ट्र आवश्यक सेवाएं हैं, उन आवश्यक सेवाओं में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारा बिजली के विभाग के लोग, पानी पहुंचाने वाले लोग, ऐसे सब सेवाओं के जो लोग हैं, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं कि इस कष्टदायक पीड़ा में लगातार वो काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की जहां तक बात करेंगे, उसके अंदर बहुत विभाग तो ऐसे हैं, दिन रात उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के कर्मचारी हों, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी हों, मेडिकल एजुकेशन के कर्मचारी हों, स्थानीय निकाय शहरी के कर्मचारी हों, ग्राम पंचायत के कर्मचारी हों, फूड एंड सप्लाईज खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारी हों, अथवा अन्य भी कर्मचारी, चाहे वो अपने घर से बैठ करके वर्क एट होम की पालना करते हुए घर से काम कर रहे हों, या कुछ कर्मचारियों को हो सकता है अपने डिपार्टमेंट को छोड़ करके दूसरे किसी काम में लगाने का आह्वान भी किया हो, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे काम को तुरंत स्वीकार करें, क्योंकि आपातकाल है। एक प्रकार की आपत्ति काल में किसी प्रकार की मर्यादाएं नहीं होती हैं, इसलिए जब हमने कर्मचारियों को कहा था कि ऑफिस नहीं जाना है, इसका अर्थ छुट्टी होना नहीं है। हमने उनको कहा था दे आर ऑन देयर ड्यूटी एट होम, वो घर पर ही रह करके अपनी सेवा कर रहे हैं और ड्यूटी पर हैं। इसलिए जिस भी काम में लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए जितना भी समय तक ये सब चलेगा, उसमें लगातार वो काम करते रहें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। ये सब करते हुए एक बात और ध्यान में आ रही है कि आखिर हमारी आर्थिक स्थिति ये भी लड़खड़ा रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले महीने मार्च में लगभग 3,500 करोड़ रुपया हमारा जो रेवेन्यू है, चाहे वो टैक्स के रूप में आता है, स्टैंप ड्यूटी के रूप में आता है, वो कम हुआ है। आखिर इसी पैसे से तो समाज के सेवा के काम होते हैं, विकास का काम होता है, कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाती है। हम सब प्रयत्न अपने करके इन सब कामों को जारी रखने के लिए लगातार लगे हुए हैं। अगला महीना भी
इसी प्रकार कठिनाई का यह महीना आने वाला है। मेरा निवेदन समाज के हर वर्ग से, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, उद्योगपति है अथवा कॉरपोरेट सेक्शन का आदमी है, या व्यापारी वर्ग का व्यक्ति है, छोटा दुकानदार है अथवा कर्मचारी है, सबको अपना योगदान करना चाहिए। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक सेठ था, वो सेठ बहुत दानी था, लेकिन दान में वो भोजन भी करवाता था, तो भोजन कराने से पहले हमेशा एक कार्यक्रम में लोगों को बुलाता था कि वो राम के भजन कराया करता था। प्रभु राम के भजन में जो लोग आते थे, भजन के बाद उनको खाना खिलाता था। एक दिन एक व्यक्ति दूर खड़ा होकर के, और जो भूख लगी थी वो खड़ा रहा, लेकिन राम जी के भजन में वो नहीं आया। जब भजन समाप्त होने लगा तो उस व्यक्ति को सेठ ने बुलाया कि तुम वहां क्यों खड़े हो? उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। उनका भोजन तो उन्हीं को मिलेगा जो राम के भजन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो राम को मानता नहीं हूं, मैं राम के भजन में नहीं आऊंगा, आप मुझे खाना खिलाइए। इन्होंने कहा कि नहीं, राम के भजन में तो आना ही होगा। उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, एक बार राम जी का नाम ये ले लो। उनका कि नहीं, राम जी का नाम भी मैं नहीं लूंगा। आखिर में सेठ को दया तो आई, लेकिन अपनी बात पर अड़िग रहा कि चलो भजन तो मैं कराऊंगा, कम से कम एक बार राम का नाम ही ले दो। उसने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तो मानता नहीं हूं, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। अंततः सेठ ने उसको भोजन कराने से भी मना कर दिया और वो चला गया, और परिणाम यह हुआ कि भूख के मारे उसकी जान चली गई। रात को सेठ के स्वप्न में रामचंद्र जी आते हैं। राम जी जब आते हैं तो राम जी ने इस सेठ को कहा, तुम बहुत पापी हो। सेठ ने कहा, मैं पापी कैसे हूं? मैं तो हमेशा भोजन कराता हूं, सबको भोजन कराता हूं। उनका नहीं, भोजन की तुम्हारी एक कंडीशन लगी हुई है, उस कंडीशन के कारण से तुम भोजन कराते हो कि हाँ, मैं तो जो राम जी का जो नाम लेगा, रामचंद्र का जो भजन गाएगा, उसी को भोजन कराऊंगा। मैं जो आपका नाम नहीं लेगा, उसको भोजन मैं क्यों कराऊंगा? उनका कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका क्यों नहीं करना चाहिए? उनका देखिए, जो आदमी आपके पास आया था, जिसको भोजन नहीं कराया और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, अच्छा बताइए उसकी आयु कितनी रही होगी? तो सेठ ने कहा लगभग 50 साल रही होगी। कि जब 50 साल आयु उसकी थी और उसको मैं भी, मुझे पता था कि वो नास्तिक है, वो राम का नाम कभी लेगा नहीं। जब नास्तिक होते हुए मैंने उसको 50 साल खाना खिलाया और उसको जिंदा रखा है, तो तुम एक समय का भोजन भी उसको नहीं दे सकते थे? अब इस कहानी के पीछे एक बात छिपी थी कि हम लोग किसी के प्रति सेवा का जो भाव रखते हैं, तो सेवा पर कोई कंडीशन नहीं लगानी चाहिए। सामने वाला हमारे मन की इच्छा से हिसाब से काम करेगा तभी उसकी सेवा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा तो एक आपत्ति काल में एक धर्म ऐसे बन जाता है कि सामने वाले की आवश्यकता को देख करके हमको उसकी सेवा करनी ही चाहिए। यदि इस कहानी से हम ये सीख लें कि आज जिसको भी आवश्यकता है उसकी सेवा के लिए हम तत्पर रहें, कितनी करनी है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, ऐसा विषय नहीं होता। आज समाज की आवश्यकता के लिए हम सबको आना चाहिए। सरकारें भी खूब काम कर रही हैं, समाज को भी आह्वान किया है। हमने इसके लिए एक कोरोना रिलीफ फंड बनाया है और कोरोना रिलीफ फंड में बहुत लोग योगदान कर रहे हैं। अभी तक लगभग 10,000 लोगों ने 34 करोड़ रुपए से भी ऊपर की राशि इसमें योगदान किया है। कर्मचारियों ने भी दिल खोल करके इसमें अपना योगदान करना शुरू किया है। जो पोर्टल हमने बनाया है उसमें 1,15,000 कर्मचारियों ने लगभग 55 करोड़ रुपए की राशि का योगदान ऐसा करने की अपनी इच्छा जताई है। और मैं समझता हूं कल सायंकाल तक सभी कर्मचारी अपना इसमें योगदान दर्ज करेंगे और यह राशि निश्चित रूप से 100 करोड़ रुपए से ऊपर जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे व्यापार और उद्योग को चलाने में हम हमेशा आंकड़ों को ध्यान करते रहते हैं, लेकिन मेरा विश्वास ऐसा है कि व्यापार केवल आंकड़ों से नहीं चलता, हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव से भी चलता है। हम अपने व्यापार और हम अपने स्वभाव और व्यवहार में ऐसा बदलाव लाएं ताकि हम लगे कि एक परिवार के नाते से हम लोग सब इकट्ठे रह रहे हैं। याद रखिएगा, बुरे समय में पैसा और प्रभाव नहीं, बल्कि स्वभाव और व्यवहार यही काम आता है, इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। इस लड़ाई को लड़ने में सामान्य व्यवहार की बातें
जो पहले कई बार बताई जा चुके हैं उसको न भूलें। पहला मंत्र सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, दूसरा मंत्र हम अपने हाथों को बार बार धोएं, तीसरा मंत्र हम अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखें, चौथी बात हम अपने हाथों से नंगे हाथों से आंख को मुंह को नाक को इसको न छुएं, और पांचवा मेज दरवाजे बर्तन ढक्कन आदि जितनी वस्तुएं हैं उसको भी नंगे हाथ से न छुएं। तो किसी भी प्रकार के कोरोना वायरस के आगे फैलने में कमी आएगी, बल्कि इसके अंदर हमको सहयोग मिलेगा। इन सब बातों को हम सबको ध्यान रखना है। इस अवसर पर मैं हमारे व्यापारी भाइयों के लिए, उद्योग करने वाले बंधुओं के लिए अथवा अन्य भी काम करने वाले लोग जो बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े कनेक्शन जिनके पास है उनके लिए भी एक घोषणा करना चाहता हूं। जो हमारे बंधु बिजली की खपत करते हैं उनको महीने में फिक्स चार्जेस भी देने पड़ते हैं। ऐसे जो लोग बड़े कनेक्शन लिए हुए हैं ऐसे लोगों के लिए हमने एक योजना बनाई है कि जिनका कनेक्शन 50 किलोवाट तक है उन सबके पिछले महीने और इस महीने के स्थायी शुल्क की कटौती इस शर्त पर होगी कि अगर हमारा जो यूनिट है वो 50% या इससे कम होता है फिक्स चार्जेस सारे माफ कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार 50 यूनिट 50 किलोवाट से बड़े कनेक्शन एचटी के कनेक्शन उनको भी अधिकतम 10,000 रुपए तक की सीमा के फिक्स चार्जेस ये माफ कर दिए जाएंगे। दूसरी सूचना, सरकारी अनुबंध के में काम करने वाले ऐसे जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका लॉकडाउन का जो पीरियड है इसको 0 पीरियड मान करके उतनी समयावधि की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टर्म लोन का जो पीरियड है जिसका पीरियड 1 मार्च 2020 से और 31 मई 2020 के बीच में समाप्ति है उसके लिए 3 महीने की छूट दी है ताकि 3 महीने के अंदर अंदर वो लोग अपने ऋण की वापसी कर सकते हैं। अंत में मैं अपने समाज के सभी प्रबुद्धजनों से यह अपील करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे समय चल रहा है इस समय में हमारी सबकी जो जरूरतें हैं, जरूरतें कभी पूरी होती नहीं है लेकिन उसको कम जरूर किया जा सकता है। जितनी आवश्यकता है उसी आवश्यकता के हिसाब से हम अपनी आपूर्ति हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ति करवाएं, ताकि अगर ये लंबे काल तक भी समय चलता है तो हम अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से लंबे समय तक इसका मुकाबला कर सकें। इसलिए हम लोग, मैं विश्वास करता हूं कि इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे तो इस लड़ाई में, कोरोना से लड़ाई के अंदर हमारी निश्चित जीत होगी। कोरोना के विषय में हमारे परिवार के सब सदस्य छोटे हो चाहे बड़े हो सभी बहुत चिंतित हैं। अभी मुझे आज ही 2 बच्चों की कृतियां मिली हैं जो मोदी जी के इस बात से पूरी तरह से परिचित हैं कि मोदी जी ने कैसे हमको घर में ही रहने का आह्वान किया है। उनकी एक वीडियो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हाथों को सैनिटाइज करो और बांधने जाना और अपने घरों में आओ और मोदी ने बोला है बांधने जाना, साथ ही साथ निभाना कोरोना को है भगाना, सेहत असली खजाना, कोई घर से बाहर न जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, कुछ दिन घर पर ही बिताना, मिलकर साथ निभाना कोरोना को है भगाना, हम भारत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हर मुसीबत को पीछे छोड़ा, दुनिया ने शीश झुकाया, विश्व गुरु रहे हैं हम, इस बार भी सिद्ध कर दिखाना, साथ ही साथ निभाना कोरोना को है भगाना, घर पर रहकर ही हम इसी युद्ध में साथ दे सकते हैं, हाथ बार बार धोकर ही वायरस को मात दे सकते हैं, कोरोना संघर्ष से नानियों के लिए दुआ ईश्वर तक पहुंचाना, साथ ही साथ निभाना कोरोना को है भगाना,
जय हिंद। कोरोना निश्चित रूप से एक दिन समाप्त तो होगा, लेकिन समाप्ति के बाद भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि इसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। आखिर तो व्यापारिक और औद्योगिक ये जो संस्थान बंद हुए हैं, इसके कारण से एक मंदी का दौर ये भी आएगा, और मंदी के दौर के समय महीनों महीने हमको संघर्ष करना पड़ेगा। फिर भी हम सब लोग अपने दायित्व को संभालते हुए, हमारा राष्ट्र के प्रति एक दायित्व है, समाज के प्रति एक दायित्व है, उसको निभाते चले जाएंगे। सब कंधे से कंधा मिला करके सरकार आपके साथ खड़ी है, आप भी सब लोग मिल करके आगे बढ़ें और अपने मन में एक संकल्प करें कि सब कुछ नछावर करने के लिए तैयार हैं। जैसा कहा गया है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस प्रकार से, इस भावना के साथ यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा प्रदेश, मेरा देश, हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।